गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. वेलकम सर. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद अविनाश राय खन्ना सर 5 minutes ऑफ इंट्रोडक्शन टॉक. ओके. देन वी विल हैंड ओवर द माइक एंड द फोकस टू यू सर. Thank you, thank you. Any other? How many people have signed in? कितने दिख रहे हैं? 56. चलिए, I'm sure अभी तो 3 बजने में time है. How many have joined, Sandeep? 68 sir. They are still joining sir. चलो ठीक है. Let them join. Let them come. सर हमने केंद्रीय विद्यालय संगठन के पीटी टीचर्स के लिए भी हमने एक सर्कुलर भेजा है. ओके. और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में भी हमने भेजा है. सो होपफुली धीरे धीरे सर ऑफ कोर्स. एंड रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अब नाउ दैट वी हैव स्टार्टेड दीज सेशंस हम लोग और भी सेशंस करें सर. फेसबुक पे भी करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. दिस वुड बी इन आई थिंक This has become a blessing in disguise कि हम लोगों को at least ये technology से familiar होने का एक मौका मिल गया. नहीं तो outdoor में हम लोग इतने लगे रहते हैं कि ये वाला शायद aspect इतना ज़्यादा explore अभी तक हुआ नहीं था. So this is really nice. I'm getting all your efforts. नहीं sir, I have to give lot of credits to Sports Authority of India and Radhika ma'am. Yes. I'm also very grateful to Sai Gandhinagar Parasports Center. Raghav sir and Rohit Tukral sir is here from Sports Authority of India. He'll be evaluating. Sandeep okay. is also here helping us from Sai Gandhinagar in the technicalities. Okay. So I can see some messages coming sir. मुझे ये चश्मा लगाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर मुझे पढ़ना है तो ये मेरी new look आपको देखने को मिलेगी. Rajiv De, sports officer from IIT Guwahati is here. Good afternoon to you. So nice to hear from Assam all the way. Very, very grateful. I can also see Rahul Pandit. He's saying he's from Maharashtra. Very, very nice. I can see Simran Sharma. She has joined. JP Nautiyal, sir. Welcome. I can see sir also. Saroj Sheshta from Nepal, which is so amazing. Yeah. I sent him the link. Very nice. This is such a wonderful way. Ankit Upadhyay is also here from Goa. That's a good afternoon. Not from Goa, but that's a good afternoon. Sorry. Jagdish Bhai Thakur is here from Sports Authority. Moin Junaidi is here. Praveen Mohite Podar International School, Pawai. Oh my God, this is amazing. Mayank Divan, swimming coach Sai, Gandhinagar. Welcome. Mm. So it's really nice. मैम सॉरी टू इंटरप्ट. आप फेसबुक लाइव भी कर सकती हैं. आप इधर मोड में चल देविका. हम इसको फेसबुक लाइव पे डाल सकते हैं. इज नागराज सर हियर विद अस? हैज नागराज सर जॉइन? और राहुल स्वामी इज हियर? आर यू हियर ऑनलाइन? देन वी कैन इन अनदर 2 minutes hopefully we're waiting for Avinash Rai Khanna sir to join us. Then we people, can promptly open the session for today. Sandeep, how can we share it on the Facebook? If you can guide me. Ma'am, there is a more option beneath your computer. जो टूल बॉक्स आ रहा है मैम उसमें मोर का ऑप्शन है. उसमें है लाइव ऑन फेसबुक, लाइव ऑन वर्चुअल एक्स बाय फेसबुक, लाइव ऑन यूट्यूब. मैंने इसको ये ऑन कर दिया था सब. अच्छा, कल तो हमारे पास एक लिंक आया था. आई वाज डूइंग विद नरेंद्र बत्रा सर के साथ हम लोग मुंजाल यूनिवर्सिटी के लिए टॉक कर रहे थे एज प्रेजिडेंट पीसीआई एंड प्रेजिडेंट आईओए. उसको हम फेसबुक पे बड़े कन्वीनियंटली शेयर किया था. एक लिंक आया था, हमने उस पे क्लिक कर दिया था. शेयर टू फेसबुक लाइक का ऐसे एक ऊपर आया था. मैं चेक करता हूं. मैं हां देख लें अगर वो हेल्प नहीं तो रिकॉर्डिंग होगी. कोई बात नहीं, हम लोग रिकॉर्डिंग को भी फिर शेयर करेंगे. पीपल हैव जॉइंड फ्रॉम दुबई आल्सो. ओह हाउ लवली. यस, अंकित उपाध्याय फ्रॉम दुबई, वेलकम. अंकित है. अविनाश राय खन्ना सर हैज जॉइंड. कैन वी रिक्वेस्ट एक
I can see Avinash Rai, Hanna sir has joined. Can I just start the session? I think it is 3 o'clock. Let us formally start the session. मैं शुरुआत में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ आदरणीय राधिका श्रीमन मैम एंड साई गांधीनगर पैरा स्पोर्ट्स सेंटर को मेरा हार्दिक धन्यवाद. राघव सर और थुकराल सर हमारे इवैल्यूएटर हैं. संदीप कुमार हैं जो हमारे टेक्निकल एडवाइजर हैं साई गांधीनगर से. साथ ही हमारे अपने भी संदीप हैं, संदीप जिसको मैं प्यार से सैंडी बोलूँगी, और वो बिहार से हमारे पैरा एथलीट हैं. उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी वजह से आज हम लोग ये सारा कोऑर्डिनेशन कर पाए. थैंक यू फॉर टेकिंग द वॉलंटियरशिप एंड जॉइनिंग हैंड्स विद साई गांधीनगर एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी फॉर दिस कंडक्ट. आई विल वेलकम, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आज का जो मेरा सेशन है वो आदरणीय दबास सर के साथ शुरुआत हो रही है. मेरे स्पोर्ट्स करियर की 36 वर्ष की आयु में भी आदरणीय दबास सर के साथ ये शुरुआत हुई थी, लेकिन अपने परिवार के आज के बड़े सदस्य के साथ मैं शुरुआत करूंगी. तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मॉडरेटर्स को अविनाश राय खन्ना सर को स्क्रीन पे लेने के लिए. अविनाश राय खन्ना सर हमारे चीफ पेट्रन है. ही हैज बीन द वाइस चेयरमैन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी. ही इज ऑल्सो बीजेपी इन चार्ज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान. Earlier, he has served as member of Rajya Sabha and was also a member of the 14th Lok Sabha of India. He represented the Hoshiarpur constituency of Punjab. And what we most connect with him is his love for social work. He has been an active social worker, organizing medical camps, blood donation camps, career counseling, personality development programs for rural students especially, and raising the issues of female feticide, drug abuse. And these are just very few short introductions of sir. Welcome, sir. Or I बकायदा एक हाथ का बना हुआ आपका मास्क मैं देख रही हूँ सर. बहुत अच्छा मैसेज है और आपका बहुत स्वागत है. आप अपना आशीर्वाद आए हुए सभी लोगों को प्लीज. ओवर टू यू सर. थैंक यू वेरी मच दीपा जी, आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की है. और मेरा ख्याल है कि जितने लोगों के नाम बताए हैं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि इन लोगों को मैं पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकूं, लेकिन इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के कारण हम लोग मिल पाए हैं. आप बाकी इशू को रखिएगा, लेकिन सिर्फ मेरा इशू जो प्रेजेंट दुनिया फेस कर रही है डिफिकल्टी, या जो कोरोना का अभी हम देख रहे हैं उसके इशू के ऊपर, मैं आप सबका सहयोग चाहूंगा. हम इंसान हैं सबसे पहले, और आप लोग एक सेलिब्रिटी हैं. आपका संपर्क, आपका लिंक बहुत से लोगों से है, तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आप लोगों का एक बहुत बड़ा काम कर सकता है. इससे पहले कि आप जो सोचें कि हम लोग अगर थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो इतने लाखों लोग इफेक्टेड हैं, तो क्या हमारा कंट्रीब्यूशन उन लोगों तक पहुँच पाएगा? डेफिनेटली. मैं एक छोटी सी कहानी सुना के अपने विषय को शुरू करूंगा और 5-4 मिनट में इसको खत्म करूंगा. दोस्तों, एक बार ना एक जंगल में आग लगी हुई थी, तो सभी लोग उस आग को बुझाने के लिए काम कर रहे थे. कोई पानी ला रहा है, कोई रेत ला रहा है, कोई मिट्टी ला रहा है. तो एक चिड़िया जंगल के ऊपर उड़ रही है, देख रही है कि इस जंगल की आग सब लोग बुझा रहे हैं, तो मेरा भी योगदान है कि मैं भी जंगल की आग को बुझाऊं. वो उड़ती अपनी चोंच में पानी भरती और उस जंगल की आग पे फेंक देती. शाम को जब जंगल की आग बुझ गई, तो एक लोगों का एक असेंबली हुई. सब एक दूसरे की प्रेज करने लगे. कोई कहने लगा कि आप मिट्टी बड़ी लाए इसलिए इस जंगल की आग बुझी. कोई कहता आप रेत बड़ा लाए इसलिए बुझी. कोई कहता कि आप पानी बहुत लाए इसलिए बुझी. तो किसी ने मजाक से एक चिड़िया को पूछा, ये चिड़िया बता, तेरे 2 बूंद पानी डालने से इस जंगल की आग बुझ सकती थी? और चिड़िया ने जवाब दिया कि मैं भी जानती हूँ कि 2 बूंद पानी डालने से इस जंगल की आग नहीं बुझ सकती, लेकिन जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरी गिनती आग लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में होगी. तो हम लोग जो मैं बातें आपको 6-7 पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जिस भी पॉइंट को आप आगे ले जा सकोगे, ले जा सकते हो, उसको ही कीजिए. अभी दीपा जी ने बताया कि मैंने ये होममेड एक मास्क बनाया है, बड़ा सिंपल है,
तो मेरी वाइफ ने एक दिन जब लोग सब लगे हुए थे तो इसको बनाने की कोशिश की और मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। मास्क जो है, मास्क कवर, फेस कवर जो है, वो जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, कोरोना धीरे धीरे खत्म होगा, तो जब भी हम निकलेंगे तो हम अपना फेस ढक के निकलेंगे। जैसे हम खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, नहाते हैं, इसी तरह ये फेस कवर भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितने लोगों से रिक्वेस्ट कर सकें, अगर आप बनवा के दे सकें तो फेस कवर लोगों को बनवा के दीजिए। दूसरा है आरोग्य ऐप। आरोग्य ऐप भी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। ये एक हाथ में आपका एक सिक्योरिटी गार्ड है, बॉडी गार्ड है। आरोग्य ऐप में क्या है कि जो अपनी इन्फॉर्मेशन आप भरते हैं वो ऐप लोड करती है। जैसे ही कोई कोरोना इफेक्टेड पेशेंट आपके पास आएगा तो आपके जो आरोग्य ऐप है उसका अलार्म बज जाएगा कि कोरोना का पेशेंट आपके पास आ रहा है। तो मैक्सिमम लोगों को जिनके पास मोबाइल है उनको भी अवेयर कीजिए। आप सेलिब्रिटी हैं, आप एक एक दो दो मिनट का अपना वीडियो बनाकर जो जो मैं पॉइंट बोलना चाहता हूँ आप उन पॉइंट्स के ऊपर एक मिनट दो मिनट का जब वीडियो बना के भेजेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। सबसे पहली बात देश के प्रधानमंत्री ने कही है, कोई भूखा ना सोए, फीड द नीडी। आप भी देखिए कि मेरे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिसको फूड की जरूरत है। हो सकता है कि सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती, हो सकता है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन हर जगह नहीं पहुंच सकती, हो सकता है कि आप वहां पहुंच जाएं जहां पर किसी को भोजन की जरूरत है। तो फीड द नीडी में आप अगर एक दिन भी किसी को भोजन करा रही है, मैं समझता हूँ जो कंसोलेशन आपको मिलेगी वो किसी को नहीं मिल सकती। दूसरा है माइग्रेंट लेबर, इसका बहुत बड़ा इशू बन चुका है। बहुत से लोग अपना देश, अपना प्रदेश, अपना शहर छोड़कर दूसरे प्रदेशों में गए हैं। उनको हो सकता है कि रहने की जगह ना हो, लेकिन और कुछ नहीं दे सकते, तो माइग्रेंट लेबर के लिए हम लोग उनको मास्क और फूड जो है वो दे सकते हैं। तीसरा, पीएम साहब ने कहा है कि पीएम केयर में कम से कम 100 रुपये आप डालिए, तो आप भी इस बात का हिस्सा बन सकते हो और अपने दोस्तों को आप इनकरेज कर सकते हो, आए हम लोग पीएम केयर में अपना योगदान डालें। और बहुत बड़ा काम वो चिड़िया वाली बात, 100 रुपया नहीं है, आपका मन, आपका तन, आपकी कंट्रीब्यूशन, इसके लिए बहुत बड़ा आप काम कर जाओगे। अगला है ओल्ड एज पीपल। आप देखेंगे कि आपके मोहल्ले में ऐसे कोई लोग होंगे जिनके बच्चे विदेश में काम करने गए हैं या देश के किसी हिस्से में काम करने गए हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन वो अपना काम नहीं कर सकते, उनको मेडिसिन की जरूरत है, उनको किसी और चीज़ की जरूरत है। आज मुझे सुबह एक बुजुर्ग का फोन आया, वैसे 200-250 एग्जांपल है मेरे पास, लेकिन आज की मैं आपको बताना चाहता हूँ बात। सुबह सुबह फोन आया मेरे, कटरा से वेदपाल बोल रहा हूँ, आज सुबह मेरी एनक टूट गई, अब मैं कुछ नहीं देख सकता, मुझे कोई टेलीफोन नहीं, आपका टेलीफोन नंबर मेरे पास फीड है क्योंकि आपने अखबार में दिया था, मैं आपको फोन कर रहा हूँ, मेरी ऐनक बना दीजिए ताकि मैं कुछ थोड़ा बहुत अपना काम कर सकूँ। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेगी जब किसी बुजुर्ग के पास जाके बैठोगे तो आपको लगेगा कि ये भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसकी हम मदद कर सकते हैं। अगला है कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करना। बहुत से लोग लगे हुए हैं कोरोना के लिए काम करने के लिए, वो पुलिस वाले हैं, वो अपने स्वीपर्स हैं, वो हेल्थ के काम करने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप एक मुक्का लेके उनके पास जाइए, उनको सम्मानित कीजिए। ये कुछ 5-4 काम हैं जिनके लिए मैंने दीपा जी को कहा था कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, सिर्फ आप लोगों ने अपने देश का नाम अलग अलग ढंग से रोशन किया है, अब देश को किसी और ढंग की जरूरत है, तो आप अपना कंट्रीब्यूशन जरूर डालेंगे। मुझे इतना ही निवेदन करना था, मैं भी एक साधारण व्यक्ति होने के नाते जितनी कोशिश होती है हम लोग करते हैं, इसीलिए मैं कर्ज कर पाया, इसलिए मैं अपना हौसला कर पाया कि मैं आपसे ये बात कह सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, हम मैं भी प्रेसिडेंट होने के नाते पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की आपका सहृदय धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारा चीफ पेट्रन बनने के लिए हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में 5,000 से ऊपर पीपी किट दिल्ली गवर्नमेंट को, और
कल ही जाकर 500 किट पीपी के हमने डोनेट किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थ्रू हमारे जो नए जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आए हैं उनके दफ्तर में जाके हमारे जनरल सेक्रेटरी अशोक बेदी सर देकर आए थे और साथ ही एक दिन की सैलरी हमने हमारी पीएम केयर में पूरे पैरालंपिक कमेटी की फ्रटर्निटी ने डोनेट करी है। तो कुछ लगातार वीडियोस, इंस्पिरेशनल वीडियोस हमारे सारे हैंडल्स में आ रहे हैं, तो मैं हर एथलीट का धन्यवाद देती हूँ और सब अपने अपने सोशल मीडिया से बहुत पॉजिटिविटी फैला रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि पैरालंपिक कमेटी इसका बहुत अहम हिस्सा बनकर ऊपर उठ कर आई है। मैं न्योता देती हूँ दबास सर को, दबास सर और मेरा, मेरे ख्याल से आज मैं जहाँ हूँ उसका, उसकी नींव दबास सर ने रखी थी। सर का इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से सूर्य को दिया दिखाने वाला हो जाएगा। पैरा स्विमिंग की शुरुआत इंडिया में, अगर हम फादर ऑफ पैरा स्विमिंग इन इंडिया कहें तो शायद डॉक्टर दबास सर का नाम सबसे पहले ऊपर आता है। तो सर मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी और हो सकता है हमारा ये सेशन वी माइट एक्सटेंड इट बाय 10 मिनट्स। वी विल नॉट क्लोज द सेशन टिल वी हैव हर्ड द एंटायर 40-45 मिनट्स of the teaching project that sir has prepared. So without any further delay, we will take this session to Dabas sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Let's come to the topic. Thanks once again, both of you. And it's my privilege that I have been given the chance to be the first speaker. For para, the people who are associated with para sports. And as I discussed with the president, Deepa ma'am, earlier, she advised me to speak about the basics. Later on, maybe in later sessions, we can go for the teaching part and also the training part of para swimming. So I'll request Sandeep to start with the... We can mix the language, Hindi English को हम बराबर में divide करेंगे। Okay, 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 मतलब कुछ हिंदी कुछ बिल्कुल। वैसे तो ये slides हैं जो हमको बहुत assist करने वाली हैं, so thank you for sharing this also. जी सर। दीपा जी, जैसे आपने कहा था मेरे को कि मैं basics से start करूं, और अगर teaching आदि से या coaching से अगर हमें आगे समय मिला तो उसको भी हम करेंगे, और भी हमारे swimming coaches हैं जो तैयार हैं प्रेजेंटेशंस देने के लिए। तो आज का टॉपिक हम बेसिक्स पे फोकस करेंगे। संदीप, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। 224 लोग जुड़ चुके हैं सर, ये बहुत अच्छा लग रहा है। दैट्स रियली नाइस, पहला मौका है और सब कुछ नया है। सो गो अहेड सर, वी लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, पता नहीं उनको नंबर कहाँ से मिलता है कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये डिसेबिलिटी है, और क्या मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, मैं कौन सा खेल खेल सकता हूँ। तो उसको चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये स्लाइड मैंने प्रिपेयर किया है कि हु ऑल कैन स्विम, कौन कौन स्विमिंग कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से सोचें, हर व्यक्ति, हर जीव का पहला जो एनवायरनमेंट है वो पानी होता है, और फ्लोटिंग या स्विमिंग हमारा एक नेचुरल बाय बर्थ इंस्टिंक्ट है। अगर हम सोचें कि माँ के गर्भ में बच्चा पानी में रहता है, द फीटस इन द मदर्स वोम इज इन फ्लूइड, दैट इज आवर फर्स्ट एनवायरनमेंट। और लेकिन ये हमारा समाज है जो उसको, जो उसकी एबिलिटी है, नेचुरल एबिलिटी फ्लोटिंग की और ब्रेथ होल्डिंग की, हम उसको ध्यान में नहीं रखते, उसका ध्यान नहीं रखते, और बच्चे को हम पानी से दूर कर देते हैं। रादर वो बड़ा जब हो जाता है कई साल का, तब उसको हम स्विमिंग सिखाने लगते हैं। ये कहा गया है कि बेस्ट एज बच्चे की, आजकल तो वाटर बेबी कंसेप्ट है, बच्चे पानी में ही जन्म ले रहे हैं, और बेबी स्विमिंग जैसा इस स्लाइड में नीचे दिया गया हुआ है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है। हालांकि इसके ऊपर एक अलग से बेबी स्विमिंग के ऊपर एक ऑल टुगेदर, अगर आप लोग चाहें तो आगे एक फुल लेक्चर मैं ले सकता हूं इसके ऊपर। तो यहां मैं ये एम्फेसाइज करना चाह रहा हूं कि बच्चा चलने से पहले
स्विमिंग सीख सकता है, क्योंकि वो नेचुरल इंस्टिंक्ट फ्लोटिंग का, ब्रेथ होल्डिंग का उसके अंदर है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम आते हैं दिव्यांग लोगों पर, पैरा वालों पर, और मैंने यहाँ एम्फेसाइज करने की कोशिश की है कि देखिए हम पैरा स्पोर्ट्स की बात करते हैं, लेकिन पैरा स्विमिंग एक अपने आप में एक अलग ही खेल है, और इसकी दूसरे खेलों के कंपैरिजन में थोड़ा एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेज है, कैसे हैं, वो उनकी हम चर्चा यहाँ करेंगे। कि देयर आर सर्टेन पीपल विद द सीवियर डिसेबिलिटीज, ज्यादा डिसेबिलिटी होती है, वो बाहर ग्राउंड के ऊपर इजी फील नहीं करते, मे बी क्रचेस होती है उनके पास कैलिपर्स होते हैं या व्हील चेयर पे वो होते हैं, लेकिन जब वो पानी के अंदर होते हैं तो पानी की बॉयंसी जो है, फ्लोटेबिलिटी जो है, वो उसको हेल्प करती है एंड दे फील वेरी कंफर्टेबल। अगर हम रिहैबिलिटेशन साइंस की बात करें, बहुत प्रकार की थेरेपियां हैं, लेकिन एक्वा थेरेपी को, जो वाटर थेरेपी है, वो योग वाली वाटर थेरेपी नहीं, ये एक्वा थेरेपी जिसमें व्यक्ति खुद अपने आप पानी में एक्टिव होकर एक्सरसाइज करता है, खुद अपने मूवमेंट्स करता है, तो इट हैज एन एडवांटेज ओवर अदर एक्टिविटीज, और इसको एक अल्टीमेट थेरेपी माना गया है एक्वा थेरेपी को। और जैसे हम कहते हैं एक अर्ली इंटरवेंशन, कि बच्चे को जल्दी से जल्दी उसका पता लगे पेरेंट्स को कि भी उस बच्चे में क्या डिसेबिलिटी है, और जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, अर्ली इंटरवेंशन के लिए स्विमिंग को, एक्वा थेरेपी को बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि पानी का जो प्रेशर है उससे उसको रिलैक्सेशन मिलता है, और फ्लोटिंग एक नेचुरल इंस्टिंक्ट उसके अंदर है, और ये मसल टोन को इंप्रूव करता है। इसके मसल टोन के बारे में और मोटर कंट्रोल के बारे में मैं बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूँ। कुछ अभी बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया है यहाँ आज इस वेबिनार में, कुछ स्विमिंग टीचर्स भी हैं जिन्होंने मेरे साथ, जो LNIP में पहले स्टूडेंट होते थे उन्होंने काम किया है मेरे साथ, कुछ स्विमर्स भी हैं। एक अजय नाम का बच्चा मेरे पास ग्वालियर से आता था, उसकी गर्दन का कंट्रोल नहीं था, उसकी नेक मसल्स वीक थी, ही हैड प्रॉब्लम, और बात करते करते उसकी नेक हिलती थी। तो जब उसके पेरेंट्स लेकर आए, वो मेरे ख्याल में 10-12 साल का रहा हो, और मैंने उनको पेरेंट्स को कहा कि ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप इसको मेरे को दीजिए और आप इसको रेगुलर लेकर आइए, और लेकिन आपको कई साल लाना पड़ेगा, क्योंकि विंटर में हमारी स्विमिंग बंद हो जाती थी करीब 5-6 महीने के लिए, और हम अप्रैल से ही शुरू करते थे अक्टूबर तक। तो उस बच्चे को जब हमने पहले स्विमिंग ड्रिल्स दी, और बाद में जब स्ट्रोक डेवलप किए उसके, खासकर क्रॉल स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक उसके डेवलप किए, क्योंकि वो लेटरल ब्रीदिंग हम उसको करवाते थे, और उसको ब्रेस्ट स्ट्रोक में वो नेक निकाल के बाहर ब्रीदिंग करता था, तो नेक मसल्स उसकी डेवलप हो गई, और मेरे ख्याल में 3 या 4 साल में ही बिकेम कम्प्लीटली नॉर्मल, और ही बिकेम नॉर्मल। तो ऐसे बहुत से मेरे पास एग्जाम्पल हैं जिनको वाटर थेरेपी से, एक्वा थेरेपी से, या स्विमिंग से, अगर हम कहें, बहुत मदद मिली है। और दूसरी चीज है कि पानी एक जो है वो डायनेमिक रेजिस्टेंस है, और बड़ा लो रेजिस्टेंस है, ये वेट्स की तरह नहीं है कि उठाने में डिफिकल्टी है और उठेगा नहीं, तो वाटर का एक मेन एडवांटेज रहता है। नेक्स्ट स्लाइड लगाए संदीप। और जैसे मैंने कहा कि इसमें पैसिव नहीं है, जैसे हम हाइड्रोथेरेपी की बात करते हैं, फिजियोथेरेपी में कंट्रास्ट बाथ उसमें होता है, जैकुज़ी उसमें होता है, व्हर्लपूल पूल होता है, तो पानी उसमें एक्टिव ज़्यादा होता है, उसमें जो पेशेंट है वो एक्टिव नहीं होता, लेकिन हाइड्रोथेरेपी में या एक्वाथेरेपी में खुद पेशेंट एक्टिव होता है, उसकी मसल्स इन्वॉल्व हैं, उसका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, और उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व है, इसलिए इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। और दूसरी चीज कि उसके जो अफेक्टेड पार्ट है वो फर्दर डेटोरियोरेट नहीं होते, और जो नॉन अफेक्टेड पार्ट है उनको हम फर्दर डेवलप करते हैं। देखिए एक डिसेबिलिटेटिव साइकिल एक शब्द आता है, जब किसी को कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होने की वजह से उसकी फिटनेस फर्दर डेटोरियरेट हो जाती है,
और फर्दर डेटोरिएट होने से और फर्दर उसको मूवमेंट में डिफिकल्टी आती है, बड़ा वीसियस सर्कल, इसको डिसेबिलिटेटिव साइकिल बोलते हैं। तो स्विमिंग उसके लिए बेस्ट माना गया है। नेक्स्ट स्लाइड संदीप। स्विमिंग, पैरा स्विमिंग के ऊपर, खासकर लर्नर्स के ऊपर काफी रिसर्च मेरे अंडर में भी हुई है, LNIT में हुई है, बाहर भी हुई है, मास्टर्स डिग्री लेवल पर हुई है, PhD लेवल पर हुई है। और ये रिसर्च के थ्रू हमने पाया कि एक बैलेंस, डायनेमिक बैलेंस बच्चे का इम्प्रूव होता है, दोज हु आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, नॉट एबल टू मूव प्रॉपरली, उनका एक बैलेंस, उनका फुट प्लेसमेंट इम्प्रूव हुआ है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आंख और हाथों में काम करने का कोऑर्डिनेशन उनका इम्प्रूव हुआ है, और एक साइकोलॉजिकल एक उनको एक खुशी मिलती है कि जब तक वो पानी में होते हैं 30 मिनट्स के लिए, 40 मिनट्स के लिए, दे आर फ्री फ्रॉम कैलिपर्स, दे आर फ्री फ्रॉम क्रच, दे आर फ्री फ्रॉम व्हीलचेयर। तो एक बहुत एक आत्मविश्वास उनमें डेवलप होता है, एक खुशी उनको, एक अच्छी फीलिंग और एक एक्साइटमेंट डेवलप होता है उनमें। और छोटी छोटी जो प्रोग्रेस होती है इस स्थान से उस स्थान तक, 2 मीटर आज आगे किसी बच्चे ने फ्लोट किया, तो एक अचीवमेंट से उसको बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और बच्चा कुछ अचीव करता है, एक सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रेस्पेक्ट उसमें इम्प्रूव होता है। और एक जनरल वेलनेस, अगर हम नॉर्मल व्यक्ति भी हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो सारा दिन एक चार्म रहता है हमारी बॉडी में, अगर हम 3-4 दिन लगातार एक्सरसाइज ना करें, एक डलनेस ही हमारी बॉडी में रहती है, तो एक जनरल वेलनेस में इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट स्लाइड, एक और स्लाइड है इससे रिलेटेड, स्विमिंग से ही, वाइल्ड स्विमिंग से रिलेटेड। और एक सोशल एंगल अगर हम देखें, जो बच्चे दिव्यांग हैं, चेयर से उठ नहीं पाते, चारपाई पर रहते हैं और या व्हील चेयर पर रहते हैं, ज्यादा मूव नहीं कर पाते, जब वो तैराकी के लिए आते हैं, किसी भी गेम के लिए आते हैं, एक सोशलाइजेशन, टीम स्पिरिट उनमें जागती है, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे से हेल्प लेना, कॉमरेडशिप जिसको हम बोलते हैं, एंड दे आर इंटीग्रेटेड इनटू आवर सोसाइटी, एंड दे वर्क विद डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल, डिफरेंट रेसेस ऑफ पीपल, अलग अलग एज ग्रुप के साथ काम करते हैं, अलग रिलीजन वालों के साथ काम करते हैं। और फिर एक सबसे बड़ी बात है सोशल स्टेटस एंड प्रेस्टीज। अगर मैं यहाँ खुद दीपा मलिक हमारी जो प्रेसिडेंट है उनका जिक्र करूँ, मेरे को याद है 2005 में के एंड में जब वो उन्होंने अपना स्पोर्ट्स कैरियर, पैरा स्पोर्ट्स कैरियर शुरू किया, और आज वो जहाँ हैं, सी थ्रू दो सी स्टार्टेड हर कैरियर थ्रू स्विमिंग, बट लेटर ऑन सी स्विच टू एथलेटिक्स, और उनके मैक्सिमम अचीवमेंट एथलेटिक्स में है। शी इज बेस्टोड विद अर्जुन अवार्ड, शी इज बेस्टोड विद राजीव गांधी खेल रत्न, द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन द कंट्री, पद्मश्री उनको मिला है, एंड शी इज परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड नाउ, एन एक्सीलेंट मोटिवेशनल स्पीकर। मैं भी उनके सामने बहुत ही ध्यान लगाकर उनको सुनता हूँ, बहुत अच्छी सेलिब्रिटी, वेयर शी इज प्लेस्ड। तो एक सेल्फ रेस्पेक्ट, एक रेस्पेक्टेबल सिटीजन और एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स हमारे इस ग्रेट नेशन के वो बनते हैं। तो स्टेट, सोशल स्टेटस, प्रेस्टीज, और आगे चल के मैं दिखाऊंगा कि एक स्लाइड में है कि कितने हमारे पैरा स्विमर्स को उनके स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स की वजह से उनको स्टेट अवार्ड्स मिले हैं, उनको सरकारी नौकरियां मिली हैं, जिन्होंने कभी पहले 10 रुपए नहीं देखे थे वो आज 35-35, 40-40, 50-50 हजार रुपए सैलरी ले रहे हैं, अपने परिवार की मदद कर रहे हैं। और लास्ट ईयर मैंने एक मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने मेरे को एक मौका दिया था एम्पावरमेंट के ऊपर एक लेक्चर देने का, देयर आई एम्फसाइज्ड कि जो स्पोर्ट्स के थ्रू एम्पावरमेंट होता है दिव्यांग लोगों का, परहैप्स उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, परहैप्स in the best possible manner we can empower our people with disabilities. किसी के अगर कोई सवाल हो, questions हो, please आप note करते हैं, later on we can reply on that. Next slide please. I hope all are able to hear me. Hello, Sandeep, सब चल रहा है ठीक? Hello? Yes sir, सब कुछ सही है sir. हाँ, next slide. Yes sir.
हो गया सर, यही नेक्स्ट है ये. नहीं, इसके बाद सेवंथ स्लाइड, सेवंथ. हाँ, ओके ओके. And now we come to the question, how and where to start. I again come back to the telephones coming to me from different parts of the country. खासकर जब पैरा एशियन गेम्स होने होते हैं या पैरालंपिक गेम्स होते हैं, न्यूज आती है पेपर्स में कि फला फला एथलीट्स जाएंगे, इस पैरालंपिक में जाएंगे. ये नहीं, सेवंथ स्लाइड पे आइए आप, सेवंथ स्लाइड, एट पे नहीं, सेवंथ स्लाइड. यस, तो लोगों को उत्साह होता है अखबार में न्यूज़पेपर में पढ़कर कि मेरे को भी पैरालंपिक में जाना है. तो मेरे पास फोन आते हैं कि सर मेरे को फला फला जगह जाना है. आई रिमेम्बर रियो से एक महीना पहले किसी का फोन आया, सर मैं स्विमिंग करता हूँ, मेरे को रियो में भेज दिया. और उसने कभी स्टेट लेवल की भी चैंपियनशिप अटेंड नहीं की. एनीवे, तो सबसे पहले तो एक डॉक्टर की एडवाइस लें कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, हाउ मच इज द प्रॉब्लम और वेदर स्विमिंग विल बी बेनिफिशियल. There are certain conditions, very severe conditions, जहाँ exert करने से, जैसे sclerosis है, muscular dystrophy है, अगर वो advanced stage में है तो those people should not exert much. तो एक doctor का advice लेना जरूरी होगा. और फिर जो मैं उनको advise करता हूँ कि आपको अच्छा swimming start करना है तो आप अपने आस पास किसी nearby pool पर जाइए, वहाँ swimming coach से बात कीजिए. अगर swimming coach को कोई दिक्कत है, उसको हैंडल करने में दिक्कत है, तो आप प्लीज़ मेरे को फ़ोन पर बात करवाइए, मैं उनसे बात करूँगा, उनको गाइड करूँगा. और जैसा मैंने पहले कहा कि द फर्स्ट लेसन फॉर द बेबी, वेदर इट इज़ विद द डिसेबिलिटीज और ए नॉर्मल बेबी, शुड बिगिन एट होम. बच्चे को जैसे मदर टब में बिठा के नहलाती है, उसी प्रकार के आजकल तो मार्केट में बड़े टब भी अवेलेबल है, बेबी टब्स करो, तो यू कैन स्टार्ट द फर्स्ट लेसन एट होम. बच्चे को पानी में एक्सपोज करा, दो भी मैं टीच देम स्विमिंग स्ट्रोक्स. लेकिन एक सबमर्जिंग है, ब्रीदिंग इनसाइड द वाटर है, दोस सेविंग स्किल्स, इनिशियल स्किल्स, फंडामेंटल्स वी कैन टीच देम एट होम. और फिर कोच से डिस्कस करिए, बात करिए वेदर ही कैन हैंडल यू. और कोच को थोड़ा सा डिफरेंट डिसेबिलिटीज के बारे में आइडियाज होना चाहिए कि किस डिसेबिलिटी में क्या प्रॉब्लम है और कितने सीवियर डिसेबिलिटी में क्या प्रॉब्लम आएगी. कोच या जो स्विमिंग टीचर है उसको थोड़ा एक आइडिया होना जरूरी है. नेक्स्ट स्लाइड, आठवीं स्लाइड लगा. और यही चीज मैंने आगे भी ये कही है कि जो अलग अलग डिसेबिलिटी है और उसमें कैसे हैंडल करेंगे टीचर, उसका आइडिया होना चाहिए. और एक टीचर को, स्विमिंग टीचर को ये समझना बहुत जरूरी है कि अलग अलग डिसेबिलिटी या अलग परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी के बच्चे को सिखाने में थोड़ा सा डिफरेंस है. तो उनकी फ्लोटिंग डिफरेंट होगी, उनकी स्टार्टिंग पोजीशंस डिफरेंट होंगी, है ना. और हर स्विमर की हमें पहले एक स्टार्टिंग पोजीशन उसका बैलेंस, जैसे हम फ्लोटिंग बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन पोजीशन द स्विमिंग टीचर सब टीच करते हैं, तो उनकी स्ट्रीमलाइन पोजीशन से डिफरेंट होगी हर बच्चे का. So that we must always keep in mind. और कोशिश करें individual attention की. आगे चलकर एक अगली स्लाइड में आएगा हालिविक मेथड, उसमें एक्सरसाइज किया जाता है कि वन टू वन जो रेशियो होना चाहिए, हालांकि उसके ऊपर तो इंडिविजुअल अटेंशन देना बहुत जरूरी है. और हर बच्चे का एक रिकॉर्ड प्रोग्रेस का रखना बहुत जरूरी है कि वो बच्चा कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, उसको क्या दिक्कत आती है. टीचर मस्ट ऑलवेज कीप ए नोट ऑफ these things. और स्विमिंग पूल के बारे में मैंने यहाँ ज्यादा नहीं लिखा है, सिर्फ दो चीजें कही हैं. एक रैंप होनी चाहिए जिससे बच्चा आसानी से, हालांकि छोटा बच्चा है उसको तो पानी में गोद में भी उतारा जा सकता है, लेकिन बड़े व्यक्ति हैं, व्हील चेयर वाले हैं, अगर रैंप हो तो बहुत अच्छा है, जिससे एंट्री ईजी हो, पानी ठंडा नहीं हो, थोड़ा लुक वार्म. हमारा 26 डिग्री प्लस माइनस 1 रहता है एबल बॉडी के लिए, लेकिन अगर इन लोगों के लिए वो 30 डिग्री के अगर आसपास हो, क्योंकि जो सीपी वाले बच्चे हैं, जो पोलियो वाले बच्चे हैं, उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है, उनको ठंड बहुत जल्दी लगने लगती है, 20 मिनट्स में ही वो शिवर करने लग जाते हैं. तो इसलिए हम उनको पानी में खड़ा भी ज़्यादा नहीं होना देते, उनको कंटिन्यूस हम एक्सरसाइज देते रहते हैं, सो दैट दे डू नॉट स्टार्ट शिवरिंग. तो पानी का टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो, गहराई पूल की ज़्यादा ना हो, 4 फुट अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 फुट, वेयर द हेल्पर कैन स्टैंड एंड हेल्प
द चाइल्ड कैन हेल्प द पर्सन. और अगर साइड में पूल के रेल्स वगैरह फिट हो, रेलिंग्स वगैरह हो, तो उसको होल्ड करके उसको सपोर्ट करने में बहुत मदद मिलती है. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ कमिंग ऑन टू द टीचिंग गाइडलाइंस. Though I am not noted here stroke specific things here, general चीजें हैं हमने ली हैं. एक हालिविक मेथड कहलाता है. हालिविक इंग्लैंड में जगह है जहाँ इसका आविष्कार ये इसको टीचिंग मेथड को डेवलप किया गया था. इसकी एक बुक भी आती है हालिविक मेथड की. इसमें कहा गया है कि भाई हर व्यक्ति को इंडिविजुअली हेल्प करना चाहिए. 1-to-1 रेशियो होनी चाहिए इंस्ट्रक्टर की और बच्चे की. और हमें टीचिंग एड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे वैसे ही आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह से बर्डन होते हैं. तो पानी में उनके साथ हम 1-to-1 की रेशो रहे और उसको कैसे होल्ड करना है वो उसमें टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, उसमें बताई गई हैं. लेकिन मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है जो हमारी इंडियन कंडीशंस में, क्योंकि जब मैं LNIP में काम करता था हमारे पास एक समय करीब 65-70 बच्चे, 65-70 बच्चे इन वन सेशन दे यूज्ड टू कम एंड वी वर नॉट एबल टू गिव देम मोर देन 1 आवर बिकॉज द स्विमिंग पूल यूज्ड टू बी बिजी विद LNIP क्लासेस. और हमारे वो जो स्विमिंग स्पेशलाइजेशन वाले बच्चे थे वो भी एक घंटा ही फ्री होते थे. अपना लंच टाइम में वो बेचारे आते थे 2:30 to 3:30 तक हम करते थे. तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू प्रोवाइड 1-to-1 रेशो टीचर एंड टॉट. तो हम क्या करते थे, हम फ्लोटिंग एड्स का यूज करते थे, ट्यूब्स यूज करते थे, आर्म बैंड्स यूज करते थे. हालांकि हमारे पास कॉलर्स, सूचकेप्ट कॉलर्स नहीं होता था. हम किक बोर्ड्स वगैरह का यूज करते थे, पुल बॉयज का यूज करते थे. लेकिन हाँ, इनका कम से कम यूज करना चाहिए, कम से कम. और जैसे ही बच्चे की प्रोग्रेस शुरू हो जाए, वो बच्चा फ्लोट करने लग जाए, हमें इनको हटा लेना चाहिए. एंड रिमेंबर, एक ये पहला सिद्धांत है कि व्हेनेवर वी यूज टीचिंग एड्स इन द स्विमिंग पूल, इट दे शुड बी यूज ओनली अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन. ये लाइफ सेविंग का पहला सिद्धांत है. बच्चे को ट्यूब देकर आप जो है फ्री ना हो जाए इधर उधर ना देखकर. एनी टाइम द चाइल्ड कैन स्लिप थ्रू द ट्यूब, वो पंचर हो सकती है, उसके हवा निकल सकती है. सो इट इज ऑलवेज डेंजरस अनसुपरवाइज स्विमिंग. तो आप टीचिंग एड यूज कर सकते हैं लेकिन वो अंडर सुपरविजन एंड एज पर द रिक्वायरमेंट. और उनको हम जल्दी से जल्दी डिस्कार्ड करें, वी शुड रिमूव देम. हाँ, और अगर कोई बच्चा हियरिंग एड यूज करता है तो पानी में उसको प्लीज निकाल दें, पानी के अंदर उसको यूज ना करें हियरिंग एड को. नेक्स्ट स्लाइड 10. संदीप, यस. और एक स्विमिंग टीचर को ये ध्यान रखना है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं या जो पर्संस हैं उनकी प्रोग्रेस इक्वल नहीं होगी, बहुत डिफरेंट होगी. कई बार बड़ी डिस्करेजिंग होती है, बहुत स्लो प्रोग्रेस होती है, कई बच्चे फास्ट सीख जाते हैं. लेकिन वी शुड नॉट बी डिस्करेज. और स्विमिंग टीचर के बारे में तो ये उसकी पहली क्वालिटी मांगी जाती है कि भाई मानी जाती है कि ही शुड हैव लॉट ऑफ पेशेंस. He should not be disturbed by the slow progress. He should not be discouraged by the slow progress. क्योंकि उनकी लर्निंग रेट जो है अलग अलग है और उनकी डिसेबिलिटी पर डिपेंड करेगी. कुछ बच्चे फिर जैसे इसमें कहा है कि भाई कुछ बैक पर इजी महसूस करेंगे, कुछ प्रोन पोजिशन पर, कुछ सुपाइन पोजिशन पर. तो जो उनको कंफर्टेबल हो वो आप करेंगे. और एक और मैं यहाँ एक चेतावनी मैं स्विमिंग टीचर्स को देना चाहूंगा, खासकर जो नए बच्चे स्विमिंग टीचर बनते हैं, नए कोच बनते हैं. जब ये बच्चे पहले दिन आते हैं वो पहले दिन से ही उनको स्विमर बनाने की कोशिश करने लगते हैं. ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी. मैं हमेशा अपने जो LNIP में बच्चे होते थे उनको मैं गाइड करता था कि नहीं, हमें पहले इनको एक्सरसाइज करवाना है, हमें पहले इनको एबल्ड बनाना है. They should be able to move freely inside the water. हालांकि ये सिद्धांत एबल्ड बॉडी पर भी लागू होता है, लेकिन खासकर इन बच्चों में मैंने ये देखा है
कि कुछ कोचिजें समझते हैं कि इनको जल्दी से स्विमर बना दें और इनको जल्दी से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन के लिए भेज दें. नहीं, पहले हमें उनको ट्रीटमेंट देना है. वी हैव टू मेक देम एबल एंड देन ओनली व्हेन दे आर एबल टू फ्लोट फ्रीली दे फील एट होम इनसाइड द वाटर, व्हाट वी कॉल द वाटरमैनशिप, जब उनमें डेवलप हो जाती है तभी हम उनको स्ट्रोक सिखाना शुरू करें. और वी हैव टू डिविएट फ्रॉम द यू नो द मेथड आवर रेगुलर मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग कि हम पहले फ्लोटिंग सिखाते हैं, स्ट्रीमलाइन पोजीशन सिखाते हैं, फिर हम लेग किक सिखाते हैं, फिर हम आर्म पुल सिखाते हैं, फिर हम स्ट्रोक ब्रीदिंग सिखाते हैं, इनको कंबाइन करते हैं, है ना, और बाद में फुल स्ट्रोक हम करते हैं. इन बच्चों को हमें थोड़ा सा इनके हिसाब से, एज आई हैव सेड अर्लियर, वी हैव टू स्टार्ट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज. किसी के अगर लेग नहीं है तो हाउ कैन वी टीच लेग किक फर्स्ट, वी हैव टू स्टार्ट विद देयर आर्म. या किसी के आर्म नहीं है तो we have to start on the back with the leg kicks. So it will differ from individual to individual. In some cases leg movements, हाँ ये हो गया point. और एक चीज हमें और swimming teachers को याद रखना है कि चाहे कितने भी advanced swimmer ये हो जाएं, बन जाएं, इनके normal stroke, जो orthodox technique, जो हम models बोलते हैं, जो ideal technique जो books में दी होती है, जो हमारे कई able bodied swimmer करते हैं, वो इनके strokes नहीं बन पाते हैं. Though we must try to come closer to the model, come closer to the ideal technique, but they will always be different. तो उस पर ज्यादा हमें समय नहीं waste करना है teachers को. Next slide. क्या प्रिकॉशंस हमें लेना है एज ए स्विमिंग टीचर. जैसे मैंने पहले कहा कि सम ऑफ देम हैव सीवियर डिसेबिलिटीज, खासकर जो सेरिब्रल पॉल्सी वाले बच्चे, स्पास्टिक जो होते हैं, वो बच्चे बॉडी उनकी बड़ी स्टिफ होती है और आप खास जब उनकी बॉडी पानी में गीली हो जाती है तो वो बहुत ईजिली हाथों में से स्लिप हो जाते हैं. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. और खासकर जिनकी नेक स्टिफ होती है, वो उनकी नेक जो है ऐसे लटक जाती है पानी में और एंड दे इनहेल वाटर. और कई बार टीचर जो है दूसरे बच्चे को देखने लगता है और जो हाथ में बच्चा वो पकड़े हुए हैं उसका मुंह पानी में चला जाता है. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. और जब एज आई हैव सेड अर्लियर आर्टिफिशियल एड जब हम यूज करते हैं, बेस्ट टू यूज ओनली अंडर सुपरविजन. और खासकर टेट्राफ्लेजिक और जो स्पास्टिक बच्चे होते हैं उन पर हमें बहुत ध्यान रखना है. और जो जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक कोच या बच्चे को पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, स्क्लेरोसिस है या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये जो है क्योंकि इंक्रीजिंग कंडीशंस होती है, प्रोग्रेसिव कंडीशंस होती हैं और दे इम्प्रूव विद द पैसेज ऑफ टाइम, दे इंक्रीज. तो डॉक्टर की कंसल्टेशन हमें लेते रहना चाहिए. इन बच्चों को हमें ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करवाना चाहिए, उनको ज्यादा थकाना नहीं चाहिए. दे शुड नॉट एक्सर्ट मच. नेक्स्ट स्लाइड. वेल कमिंग ऑन टू द नाउ कॉम्पिटिशंस. नाउ दोज हु आर नॉट हैविंग द बैकग्राउंड ऑफ पैरा स्पोर्ट्स, दे मे बी वंडरिंग दैट हाउ कैन दे पार्टिसिपेट टुगेदर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज. नहीं, हम कोशिश करते हैं कि इन खिलाड़ियों को उनकी डिसेबिलिटी के हिसाब से उनको अलग अलग क्लासेस में बांटा जाए, सो दैट नो वन हैज द अनड्यू डिसएडवांटेज. उनको एक फेयर चांस दिया जाता है एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट डिसेबिलिटी क्लासेस. हमारे स्विमिंग में 14 क्लासेस हैं, एथलेटिक्स में तो बहुत है इनकी. सत्या सर को मैं देख सकता हूँ. स्विमिंग में हमारे जो है 14 क्लासेस हैं. S1, S represents swimming. S1 से जो है S10 तक, they are locomotor disabled, physically challenged जिसको बोलते हैं. और S1 जो है, that is the severest disability, most severe disability. हालांकि इंटरनेशनल लेवल में एक दो ही स्विमर आ पाते हैं. मोइन हमारे इंडिया में है S1 क्लास के. और जैसा कि शायद आप लोगों को मालूम होगा कि 2018 में जनवरी 1st 2018 से क्लासिफिकेशन के रूल पूरे चेंज हो गए हैं. जो मिनिमम डिसेबिलिटी थी वो भी रूल चेंज हो गए हैं. पहले तो ऐसा था किसी बच्चे की दो उंगली अगर नहीं है या पैर का आधा पैर नहीं है
पंजा, तो उसको भी अलाउ किया जाता था, डिसेबल्ड माना जाता था S10 कैटेगरी में, लेकिन अब चेंज हो गए हैं रूल। अब कम से कम हाथ हाथ का आधा पाम नहीं होना चाहिए, अब आप मिनिमम 15 पॉइंट्स जो है लूज करने चाहिए आपको, वो जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का। और S10 जो है वो मिनिमम डिसेबिलिटी है, किसी का जैसे एक हल्का सा पैर खराब है या हल्का हाथ का पंजा खराब है या दो हाथों के मिला के पूरी पांच उंगली नहीं है मिला के, तो वो S10 कैटेगरी में होगा, S1 से S10। और फिर S11, S12, S13 ये कैटेगरी जो है विजुअली इम्पेयर्ड की है। S11 आर दो स्विमर्स जिनको बिल्कुल ही नो साइट परसेप्शन, दे हैव, दे आर टोटली ब्लाइंड, दे डोंट सी। S12 वो है जिनको थोड़ा सामने, इफ यू शो देम द हैंड दे कैन सी, यस आगे पाम है, आगे कुछ चीज है, उनको बस थोड़ी सी परछाई दिखती है। S13 क्लास जो होते हैं, दो दे आर ऑल्सो विजुअली इम्पेयर्ड, वो अपना काम खुद कर लेते हैं, दे कैन मूव अराउंड, उनको दिख जाएगा ये सामने टेबल है, ये सामने कोई खड़ा है मेरे, वो बच के निकल जाएगा, बट दे आर विजुअली इम्पेयर्ड। तो S13 वो क्लास है। और जो S14 क्लास है लास्ट हमारी, वो मेंटली रिटार्डेड या इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट जिसको हम बोलते हैं S14 क्लास, इसमें IQ लेवल उनका टेस्ट होता है, और उनका IQ लेवल जो है 75 एंड बिलो होना चाहिए, देन दे फॉल इन दिस कैटेगरी, एंड दिस शुड बी व्हेन दे आर बिलो 18 इयर्स ऑफ एज, उनकी ये डिसेबिलिटी होनी चाहिए। सो दीज आर, आई एम नॉट गोइंग टू द स्पेसिफिक डिसेबिलिटी कैटेगरीज नाउ, हियर S1 क्या होगा, S2 क्या होगा, S3 क्या होगा। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे एक स्विमर का अगर हाथ नहीं है ये रिस्क के आगे, तो S9 होगा। अगर उसका एक एल्बो तक हाथ नहीं है, तो वो S जो है 9 होगा, वहाँ तक एल्बो तक। और अगर उसका जो है पूरा एक हाथ नहीं है, तो S10 होगा। किसी का एक पैर नहीं है, पूरा पैर या पूरा लकवे से मारा हुआ है, मुंह नहीं होता, स्ट्रेंथ नहीं है, तो S9 होगा। और अगर उसके जो है दोनों हाथ नहीं है किसी के, वी हैव स्विमर्स विदाउट बोथ आर्म, S6 में वो फॉल करेंगे। तो इस प्रकार से क्लासेस होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पैरा स्विमिंग कॉम्पिटिशन, कमिंग टू द कॉम्पिटिशन, देखिए हम जो है, हमारे कोई अलग से रूल नहीं है पैरा स्विमिंग के, वी स्ट्रिक्टली फॉलो द फीना रूल्स, जो एबल्ड बॉडीड के हैं, फीना के जो रूल हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल दे नाटासियों जो फीना है, उसके हम रूल फॉलो करते हैं। लेकिन उनमें थोड़ा सा हम रिलैक्सेशन, थोड़ा मॉडिफिकेशन इन बच्चों को देते हैं, उनका थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, जैसे एक स्टार्टिंग का डिफरेंस है। एबल्ड बॉडी में तो दे हैव टू स्टार्ट विद अ डाइव फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, दिव्यांग बच्चों के लिए, पैरा स्विमर्स के लिए जरूरी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन देयर डिसेबिलिटी, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म विद अ डाइव, दे कैन सिट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड डाइव, दे कैन स्टैंड ऑन द डेक and dive, they can sit on the deck and dive, or they may even start from the water. अगर कोई push नहीं कर पाता है हाथ पैरों से, तो वो पानी से भी start कर सकता है, पानी में उतर कर भी start कर सकता है। और किसी को हाथ नहीं है, तो वो कैसे hold करेगा? तो एक starting device, कोई आप उसको कोई starting device, कोई मुंह में जैसे एक पट्टी कपड़े की हम बना लेते हैं, उसको मुंह में कपड़ा दी, और helper उसका जो coach है या जो उसका assistant है, वो hold करता है मुंह में, और जैसी command दी जाती है टेक योर गो की, तो वो स्टार्ट करता है अपना। तो ये स्टार्ट में हम इतना हेल्प कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट पुश, वी कैन नॉट गिव एनी हेल्प, सिर्फ बैलेंस की हेल्प उनको देते हैं। अगर कोई बच्चा खड़ा नहीं हो पाता, उसके पैर कांपते हैं ब्लॉक के ऊपर, तो हम उसको हिप से होल्ड कर सकते हैं, हिप के ऊपर से, और उसको लेकिन पुश नहीं कर सकते। वी हैव टू रिमूव द हैंड्स द मोमेंट द साउंड इज गिवन, द बजर इज गिवन, स्टार्टिंग सिग्नल इज गिवन। जो विजुअली इम्पेयर्ड, हाँ, और उनके रूल्स में स्ट्रोक में भी उनका रिलैक्सेशन, जैसे किसी के दोनों पैर बराबर नहीं चलते हैं बटरफ्लाई में, तो वो क्रॉस करके उनको लगातार चला, ऐसे चला सकता है ना, साइमल्टेनियस मूवमेंट अगर नहीं है, या ब्रेस्ट स्ट्रोक में अगर किक, एक पैर उसका कंट्रोल नहीं है, तो ऑल्टरनेट किक थोड़ा हो सकता है, बट ही मस्ट ट्राई टू डू साइमल्टेनियस थिंग। अगर देन टच का रूल होता है बटरफ्लाई में, ब्रेस्ट स्ट्रोक में, टच बोथ आर्म्स टुगेदर एट द सेम लेवल साइमल्टेनियसली, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं।
लेकिन पैरा वालों के लिए इफ समबडी इज हैविंग वन फुल आर्म एंड वन हाफ आर्म तो ही मस्ट एक्सटेंड बोथ आर्म एंड टच विद द लीडिंग आर्म. अगर किसी के दोनों आर्म नहीं है तो वो हेड से लीडिंग पार्ट जो है बॉडी का वो हेड से टच कर सकता है. तो ये रिलैक्सेशन उन लोगों को होते हैं फिनिश में भी स्ट्रोक में भी. और विजुअली इंपेयर्ड स्विमर्स को हम हेल्प करते हैं स्टार्ट के टाइम और फिनिश के टाइम और टर्न के टाइम. टैपर्स स्टिक होती हैं, पैडेड स्टिक्स पोल्स होते हैं, उनके ऊपर पैड लगा होता है कि उसे चोट ना लगे और सॉफ्ट पैड होता है. और जब स्विमर वॉल को अप्रोच कर रहा होता है टर्न के लिए फिनिश के लिए, उसको करीब वो 2-2.5 meters है तो उसको हम टच कर देते हैं हल्का सिर पे या बैक पे उसको हम टच कर देते हैं कि भाई यू आर अप्रोचिंग द वॉल बी केयरफुल. टैपर्स उसको हम बोलते हैं. अगर 100 meters रेस है तो दोनों साइड में टैपर होने चाहिए कंपलसरी, एक उधर भी खड़ा होना चाहिए एक इधर भी खड़ा होना चाहिए. 50 meters के लिए एक फिनिश के लिए एक टैपर बहुत है. और S11 कैटेगरी जो पूरा विजुअली चैलेंज है उनको डार्कन्ड ग्लासेस ब्लैकन्ड ग्लासेस लगाना जरूरी है. किसी को साइड से अगर थोड़ी झपकी है दिखता है तो सो दैट इज ऑल्सो ब्लॉक्ड, दे शुड नॉट हैव एनी एडवांटेज, तो उनको बिल्कुल ब्लाइंड कर दिया जाता है. टोटल दे शुड बी टोटली ब्लाइंड व्हेन दे आर स्विमिंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. कमिंग ऑन टू द कंपटीशन इवेंट्स, व्हाट आर द इवेंट्स? देखिए बहुत सारे इवेंट हैं और लाइक एबल बॉडीड अभी तो मिक्स रिलेज भी हमारी शुरू हो गई है. वी सेलेक्ट द इवेंट्स फ्रॉम दीज लिस्टेड हियर. जैसे फ्री स्टाइल में वी हैव 50 meters, वी हैव 100 meters, वी हैव 200, वी हैव 400, वी डोंट हैव 800 और 1500 लाइक एबल बॉडी. बैक स्ट्रोक ब्रेस्ट स्ट्रोक बटरफ्लाई में अगर आप देखें 200 meters हमारे नहीं होते हैं, 50 और 100 होते हैं तीनों में. इंडिविजुअल मेडले देखिए इसमें 150 meters पे देर आर सीवियर डिसेबिलिटी पीपल जो S4 तक के SM4 तक के हैं उनको 150 तक करवाते हैं विदाउट बटरफ्लाई. दे डोंट हैव बटरफ्लाई, दे डोंट स्टार्ट विद बटरफ्लाई. इंडिविजुअल मेडले जैसे बटरफ्लाई से स्टार्ट होता है, दे स्टार्ट विद बैक बैक ब्रेस्ट एंड फ्री स्टाइल. 200 meters जो है इंडिविजुअल मेडले वो 50-50 ईच स्ट्रोक उससे हायर क्लास के लिए होता है SM5 से SM10 तक का. फ्री स्टाइल रिले है 4x50 meters, 4x100 meters मेडले रिले है जहाँ एक स्विमर अलग अलग जो है चार स्विमर होंगे चारों अलग अलग स्ट्रोक करेंगे स्टार्टिंग विद बैक स्ट्रोक बैक ब्रेस्ट बटरफ्लाई एंड फ्री मेडले 4x50 एंड 4x100 meters. फिर फ्री स्टाइल मिक्स रिले है दो लड़के दो लड़कियां 4x50 meters 4x100 meters ये अभी पिछले ओलंपिक से ही शुरू हुई है. मिक्स्ड मेडले रिले जो है जैसे मतलब मिक्स्ड है 4x50 मेडले रिले है और 4x100 मेडले रिले. सो दीज आर द इवेंट्स. नाउ कमिंग ऑन टू द नेशनल पार्टिसिपेशन पाथवे. अगर एक बच्चा नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसका क्या पाथवे है, क्या तरीका, क्या रास्ता? तो देखिए सबसे पहले तो वो 12 साल का हो. हर साल एज ग्रुप दिए जाते हैं, ये इंटरनेशनल रूल भी है 12 ईयर से नीचे नहीं होना चाहिए नेशनल के लिए. हालांकि हम पहले 10 साल तक के अलाउ करते रहे हैं बट नाउ वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द IPC रूल्स वर्ल्ड पैरा स्विमिंग रूल्स. फिर उसको स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है. और एक हमारा नेशनल्स का अपना हमारा MQS रहता है मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो हमने बस इसी साल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. उसको वो टाइम उसको पर क्लास पर इवेंट उसका एक MQS रहता है मिनिमम क्वालिफाइंग ही शुड मीट दैट. और फिर उसकी एंट्री स्टेट के थ्रू आनी चाहिए. नोबडी कम कैन कम डायरेक्टली, द स्टेट पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन हैज टू सेंड द एंट्री. जो भी PCI के एफिलेटेड मेंबर हैं चाहे वो सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड है ठीक है तो उनके माध्यम से आ सकती हैं. फिर दे शुड हैव द PCI लाइसेंस. एवरी ईयर द एथलीट्स हैव टू लाइसेंस देमसेल्व्स. ये इंटरनेशनल में भी रूल है, अगर आप इंटरनेशनल चैंपियनशिप में खेलना चाहते हैं तो यू हैव टू लाइसेंस योरसेल्फ. फिर यू शुड हैव स्पोर्ट्स क्लासिफिकेशन. अगर आपके पास क्लासिफिकेशन नहीं है स्टेट में नहीं हुआ तो आप नेशनल में क्लासिफाई किए जाएंगे. आपको एक क्लास दी जाएगी, आपको एक आई कार्ड दिया जाएगा, यू विल बी प्लेइंग यू विल बी स्विमिंग इन दैट क्लास.
और फिर आपकी डिसेबिलिटी जो है वो जो है एलिजिबल होनी चाहिए. नॉट एवरी डिसेबिलिटी इज अलाउड इन स्विमिंग. और फिर एक मिनिमम डिसेबिलिटी, जैसे मैंने कहा मिनिमम डिसेबिलिटी होना चाहिए. और यहाँ मैंने इसमें स्लाइड में नहीं दिया है, जो हमारी जैसे डिसेबिलिटी है एलिजिबल डिसेबिलिटी वो 10 है 10 है. इम्पेयर्ड मसल पावर हो या इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट हो. एक्चुअली आप नहीं कर सकते लेकिन कोई पकड़ के करता है तो हो जाती है, लेकिन आप नहीं कर सकते तो वो एलिजिबल नहीं है. कोई दूसरा भी आपके मूव नहीं कर पाए जॉइंट को, दैट इज पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट. लिम्ब डेफिशिएंसी है, बाय बर्थ है या एम्पुटेशन की वजह से है, या लेग लेंथ डिफरेंस है, लेग लेंथ में मिनिमम 15 सेंटीमीटर का अगर डिफरेंस है, या शॉर्ट स्टैचर वाले जो होते हैं ड्वार्फ जो होते हैं, उनकी दो कैटेगरी होती है S6 और S7. जो गर्ल्स का होता है 130 सेंटीमीटर या 137 सेंटीमीटर के नीचे वो होनी चाहिए. जेंट्स में मेल में होता है 137 सेंटीमीटर से अगर नीचे तो S6 क्लास में 145 सेंटीमीटर के नीचे है तो उसकी हाइट जो है स्टैंडिंग हाइट तो वो S7 क्लास में आएगा. पर हाइपरटोनिया है, हाइपरटोनिया जैसे मैंने वो अजय का एग्जांपल दिया कि मसल बैलेंस नहीं है, टोन उसकी वो है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, अटैक्सिया है, पुअर कोऑर्डिनेशन, अथेटोसिस है, अथेटोसिस का है जहां बैलेंस नहीं है, उसको इनवॉलंटरी मूवमेंट होते रहते हैं, मूवमेंट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है. तो ये 8 डिसेबिलिटी जो है ये फिजिकल डिसेबिलिटी है. फिर विजन इम्पेयर्ड जैसे मैंने कहा और इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट मैंने कहा. कुछ जैसे कई बार बच्चे हमारे पास आते हैं थोड़ा सा उनको लॉर्डोसिस वगैरह है बैक में थोड़ा सा टेढ़ा, ये अलाउड नहीं है. या थोड़ा सा रेंज ऑफ मूवमेंट जो है आप नहीं कर पाता है, दूसरा पकड़ के करता है रेंज जाती है, तो वो ट्रेनिंग की कमी है तो वो डिसेबिलिटी में नहीं आता. कार्डियक प्रॉब्लम है या किसी को डायबिटीज है या ऑर्गन प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं ये एलिजिबल नहीं है. या किसी को पेन है बॉडी में, पेन इज नॉट ए डिसेबिलिटी. और जो टेम्परेरी डिसेबिलिटी है कुछ दिनों के लिए है, 6 महीने बाद ठीक हो जाएंगे, 1 साल बाद ठीक हो जाएंगे, जो परमानेंट डिसेबिलिटी है उन्हीं को ही अलाउ किया जाता है. नेक्स्ट स्लाइड. ओके ओके. फिर एक शुड हैव एलिजिबल इंपेयरमेंट एंड देन शुड दे शुड नो ऑल द 4 strokes. एक ये नई चीज आ गई है, पहले था कि भी दे शुड बी एबल टू स्विम एनी 2 strokes, लेकिन आजकल 4 strokes आना जरूरी है क्योंकि क्लासिफिकेशन के वक्त हम देखते हैं. एंड द चाइल्ड एंड द स्विमर शुड बी एबल टू फ्लोट ऑन बोथ फॉर 30 seconds, प्रोन में भी सुपाइन में भी. ये पहले नहीं होता था लेकिन अब ये जनवरी 2018 से ये कंपल्सरी हो गया है. That the swimmer should be able to float on both sides, prone and supine, both positions, and they should be able to comfortably swim all the 4 strokes. ये nationals के लिए भी हैं. आगे international का pathway भी similar है. Next slide, 16. International participation pathway. जो है एलिजिबिलिटी इसकी नेशनल की तरह है, एज ग्रुप है, स्पोर्ट क्लासिफिकेशन है, MQS है. जैसे लास्ट में इसमें लिखा गो थ्रू द चैंपियनशिप पैकेज, हर चैंपियनशिप का जो लेटर आता है उसको हम पैकेज बोलते हैं, जो डिटेल्स आती है, डेडलाइंस जो है, डेट्स की या रिक्वायरमेंट्स है, MQS है, तो उनको देखिए, ध्यान से देखिए क्या उसका MQS है, whether you are able to do it, whether you fall in that category, क्या आपके इवेंट उस चैंपियनशिप में है, क्योंकि हर चैंपियनशिप में हर इवेंट नहीं होते. एंड देन यू शुड होल्ड ए पासपोर्ट, मिनिमम 6 months का उसके वैलिडिटी होनी चाहिए आपका ट्रेवल डेट से. फिर एक वर्ल्ड पैरा स्विमिंग का जो है आपका लाइसेंस होना जरूरी है. ये लाइसेंस प्रक्रिया जो है ये नवंबर में हर साल शुरू हो जाती है, नवंबर दिसंबर में. आप अगले नेक्स्ट सेशन के लिए, हमारा इंडिया में सेशन स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, लेकिन जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है उसका सेशन स्टार्ट होता है 1 जनवरी से. तो 1 जनवरी देन यू बिकम एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट सेशन टू प्ले फॉर द टू प्ले इन द इंटरनेशनल चैंपियनशिप. ये बहुत जरूरी है इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन के लिए. नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज अवर लास्ट स्लाइड. What are our achievements of Indian para swimmers till date? You all know that we started our national championships in 2000. पहला चैंपियनशिप हमने खुद, हमें भी रूल नहीं मालूम थे,
ज्यादा थोड़ा आइडिया था, इंटरनेट भी उस टाइम शुरू नहीं हुआ था, कंप्यूटर भी हमें नहीं आता था, उसी टाइम खरीदा था और हमने लोग इनवाइट कर लिए थे। 152 स्विमर हमारे पास 16 टीमों से आए थे और कैसे हमने उसको ग्रुप करके डॉक्टर्स की मदद लेके, न्यूरो सर्जन की मदद ली, ऑर्थोपेडिक सर्जन की मदद ली हमने और वो नेशनल हमने करवाया। लगातार हम नेशनल चैंपियनशिप करते रहे हैं सन 2000 से। और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, जैसे आपको मालूम है कि हमारे पैरोलंपिक कमेटी का एथलेशन 2005 में हमें गवर्नमेंट से मिला है, उसके बाद से हम रिकॉर्ड रखना शुरू किया है। तो 2005 से हालांकि इक्का दुक्का स्विमर हमारे, इंडिविजुअल स्विमर्स हमारे, दे हैव बीन गोइंग अर्लियर आल्सो टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल चैंपियनशिप थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअली भी जाते थे, अपने क्लब के थ्रू भी जाते थे, लेकिन पैरोलंपिक कमेटी के थ्रू जो है 2005 से जाना शुरू किया है और तभी से हमने सारे रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं। और आज तक हमारे पास अगर आप देखें तो अभी पूरी लिस्ट मैंने करीब एक वीक पहले ही तैयार की है, 231 इंटरनेशनल मेडल्स हमारे बच्चे जीत चुके हैं, उनमें वर्ल्ड चैंपियनशिप आप मिलाइए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा एक गोल्ड आया है, एशियन पैरा गेम्स आज तक तीन ही हुए एशियन पैरा गेम्स, एक गोल्ड पिछली बार हमारा आया, 5 सिल्वर हमारे आ चुके हैं, 9 एशियन गेम्स में मिलाकर 13 हमारे ब्रॉन्ज आ चुके हैं, कॉमनवेल्थ में हमारा एक ब्रॉन्ज आया है। तो वी हैव लॉट ऑफ अचीवमेंट्स इन दीस 15 इयर्स। फिर हमारे स्विमर्स जो है इंग्लिश चैनल और कैटलिना चैनल, आपको याद हो सतेंद्र एंड हिज टीम, राजेश शिंदे ने इंडिविजुअल इंग्लिश चैनल क्रॉस किया और रिले में भी वो कर रहे हैं, इंग्लिश चैनल किया है, कैटलिना चैनल इस साल किया है। फिर 2 हमारे स्विमर्स को अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, 1 हमारे स्विमर्स को ध्यानचंद अवार्ड मिल चुका है और 3 हमारे स्विमर्स को प्रेजेंट अवार्ड मिला है, इस साल भी सत्येंद्र सिंह को प्रेजेंट अवार्ड मिला है। और हमारे इनके अलावा 26 ऐसे तैराक इनको मिला, अगर इनको राज्यों में भी मिला है और 26 इनके अलावा और हमारे ऐसे तैराक हैं 26 जिनको उनके राज्यों का हाईएस्ट अचीवमेंट अवार्ड मिला है और कई राज्यों में तो उनको सरकारी नौकरी साथ में मिलती है, जैसे मध्य प्रदेश में है विक्रम अवार्ड के साथ वो अपॉइंटमेंट लेटर भी देते हैं। So these are our achievements in swimming. हालांकि दीपा हमारी स्विमर रही है लेकिन अचीवमेंट एथलेटिक्स ज्यादा है। थैंक यू वेरी मच, दैट वाज आवर लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड। तो लास्ट स्लाइड, हां जी लास्ट स्लाइड, संदीप, संदीप लास्ट स्लाइड तक है। ओह थैंक्स वालिका, थैंक्स वालिका। The last slide of sir's presentation, please. 18, slide number 18. Well, that's a thank you, sir. Thank you so much. Sorry, I have taken a bit more time, I think. No, sir, it's fine. हम लोग ने शुरू में भी क्योंकि COVID-19 का समय है, we had to start with the COVID regulations as per the mandate and we all are very responsible citizens. Thank you so much, sir. For me, it was down the memory lane. बिल्कुल ऐसे लगा जैसे वापस आपके साथ जो मैं 2006 में आई थी पहली बार join करने, and I must say that I hope मेरा state award आपने swimming achievements में जोड़ा है क्योंकि जो शिव छत्रपति award मुझे महाराष्ट्र से मिला है वो swimming के लिए मिला है sir, और मेरा लिम्का record भी swimming के लिए है। तो thank you for making Thank you for making. An ear problem. She says she develops an ear problem when she swims. So, can she continue swimming? Ya uske liye kya advice aap dena chahenge? Dekhiye, agar koi ear mein congenital disease hai, ya koi problem hai parde se, parde mein koi dikkat hai. Ek to hota hai pani jaane ki wajah se infection. When I started myself swimming, mere ko ye dikkat aati thi.
और मेरे को कोच ने, मेरे टीचर ने यही कहा कि कान को साफ करिए, कान को साफ करिए, डेली मेक इट ए हैबिट, आफ्टर यू गो बैक टू योर रूम क्लीन योर इयर्स विद अ बट। और जो सर जो बट मार्केट में मिलते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, आप सिंपल बट बनाइए कॉटन के साथ, उसको कान को अच्छी तरह साफ कीजिए। और एक स्पेशल ईयर ड्रॉप्स आती हैं जो आफ्टर स्विमिंग, स्विमिंग की ईयर ड्रॉप्स आती हैं, वो आप लीजिए, आप डॉक्टर से डिस्कस करिए। कान की प्रॉब्लम अगर वो कोई वैसे नहीं है तो परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है तो वो ठीक हो जाएगा। इन्फेक्शन अगर वो पानी की वजह से होता तो ठीक हो जाएगा, आपको यू हैव टू डेवलप द हैबिट, हो जाएगा। सो इंदौर मध्य प्रदेश से आयुष दुबे जी का एक क्वेश्चन है दैट पैरा स्विमिंग सिखाने के लिए डू वी नीड अ स्पेशल परमिशन टू टीच स्विमिंग इन लोकल क्लब, is there some kind of a permission or certification required to teach para swimming or allow children in disability to come? I think Dr. Shivaji can reply to that, because disability act mein aisa kuch hai ke koi bhi skill development jo para walon ka hai, divyangon ka hai, the people should hold a proper certificate for that. So there are a lot of compliments which are coming. So Dhero ne अभी रिप्लाई करना शुरू किया दैट इट हैज बीन अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन एंड लॉट ऑफ पीपल आर थैंकिंग यू। वी आर ऑल्सो रिक्वेस्टिंग एवरी पर्सन हु हैज जॉइंड टू फिल इन द फॉर्म सो दैट वी कैन रिटेन द डेटा एंड कनेक्ट यू सून। सर एक डॉक्टर निधि हैं गांधीनगर से, वो कहती हैं कि पैरा एथलेटिक क्लासिफायर लेवल 2 कोर्स उन्होंने किया है, शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन swimming classification, so how can she approach that part and become a volunteer in the para swimming world? Dekhiye hamari jo she if she has been level 2 in athletics she may be doing ki bhai do classifiers ka ek panel banta hai, ek medical classifier hota hai aur ek technical classifier. I don't know whether she is a technical classifier in athletics or a medical classifier. मेडिकल क्लासीफायर मेडिकल बैकग्राउंड का होता है, चाहे फिजियो हो, चाहे वो सर्जन हो, चाहे वो एक फिजिशियन हो, और जो टेक्निकल क्लासीफायर होता है वो स्विमिंग कोच होता है, बट दैट कोच मस्ट हैव द फुल नॉलेज ऑफ हाइड्रोडायनामिक्स हर डिसेबिलिटी का। राजीव दे स्पोर्ट्स ऑफिसर है swimmers sometimes we face problem in pace difference and others are how to adjust those issues as our training time in a pool is common. एक practical problem है, वो आपको बच्चों को speed के हिसाब से वो lanes उनको देनी पड़े। You can't do anything else. You have to divide them as per their speed, as per their strokes, and then only allot them the lanes. Or chain swimming. So beach that's the only way out. सर रमेश चंद एंड सीपी रमेश चंद जी का एक रिक्वेस्ट बीच में आया था, शायद उनकी नेटवर्क इशू हुई थी, वो सीपी कैटेगरी के बारे में ब्रीफली अगर आप क्विकली थोड़ा सा बता दें। शिवाजी सर नमस्कार, मैं आपको मैं दो तीन टेक्निकल इशू पर जवाब दूंगा, मैं सुन रहा था मैं आप जी सर आप बोले सर हम आप ये जो नया कानून आया है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, इसमें कोई भी गवर्नमेंट या इवन पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया हैव टू गेट रजिस्टर्ड अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, फॉर रजिस्ट्रेशन दे हैव टू अप्लाई अंडर सेक्शन 50 एंड 51 एंड 52 के अंतर्गत उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मैं चाहूंगा जितने लोग अकली कल कुछ भी घटना हो जाती है कानूनी रूप से तो फिर एक्ट का वायलेशन होगा और हमारे कोर्ट जो है हमारा जो स्टेट कोर्ट है प्लस भारत सरकार के जो कोर्ट है उसमें अपीयर होना पड़ेगा। तो बहुत इजी है, हमारे यहाँ हम 300 लोगों को हमारे पास इसका पावर रहता है रजिस्ट्रेशन देने का। तो खासकर मैंने स्विमिंग में देखा हूँ, दबाज सर मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, एक बार हम लोग इवेंट करवा रहे थे और डेफ बच्चे 20 के डेफ बच्चे एकाएक कूद गए और मैं भी हम लोग थे, संदीप भी था, हम लोग भी हैड वेरी टफ टाइम और मैं उससे झेला हूँ। तो एक तो ये है, दूसरा दबाज सर आपने जो कैटेगरी 14 को बोला है उसका आईक्यू लेवल 70 से नीचे होना, 75 नहीं 75 नो 70 बिलो डब्ल्यू वर्ल्ड पैरा स्विमिंग का 75 एंड बिलो है। आईक्यू जो है जो होते हैं 20 के नीचे तभी उसको माना जाता है इंटेलेक्चुअली,
क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट भी हूँ जो भी हो ओके सीलिंग में हमारा 75 एंड बिलो है इंडिया में 70 के नीचे मानेंगे क्योंकि ये टेक्निकल इशू है अगर 75 मानेंगे तो वो पर्सन में डिसेबिलिटी नहीं होगा तो हमारे किसी कोई अप्लाई कर देगा वो 75 बॉर्डर लाइन होते हैं इंडिया का कानून है बाहर के कानून में 75 देता है जो हमारा UNCRPD है लेकिन भारत का कानून 70 बिलो मानता है जस्ट में टेक्निकल इशू है आप ठीक है दैट इज बिलो ही इज एलिजिबल इवन अदरवाइज फॉर द इंटरनेशनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही थी आपने कहा कि 4 स्ट्रोक्स कंपलसरी होते हैं एंड फ्लोटिंग प्रोन एंड स्पाइन पे होती है तो ये कौन से 4 स्ट्रोक्स हैं सर क्योंकि स्विमिंग में कौन से 4 स्ट्रोक्स माने जाते हैं फ्री स्टाइल को तो शायद देखो क्रॉल फ्रंट क्रॉल को जिसको हम टेक्निक है वो फ्रंट क्रॉल जिसको हम बोलते हैं फ्री स्टाइल मींस एनी स्टाइल ए स्विमर कैन स्विम एनी स्टाइल इन दैट वो बटरफ्लाई भी थ्रू आउट कर सकता है बैक भी कर सकता है ब्रेस्ट भी कर सकता है फ्री स्टाइल में ठीक है फिर एक बैक स्ट्रोक होता है ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है बटरफ्लाई होता है ये 4 कॉम्पिटिटिव स्ट्रोक्स होते हैं स्ट्रोक्स तो बहुत सारे हैं साइड स्ट्रोक है सीजर है डॉग पैडल है लेकिन ये कॉम्पिटिटिव 4 स्ट्रोक्स होते हैं तो अगर आज की डेट में कोई इंटरनेशनल स्विमिंग के क्लासिफिकेशन के लिए जाता है तो उसको ये 4 स्ट्रोक करके दिखाने पड़ते हैं वो देखते हैं नहीं देखिए Preferably, he should know all the 4 strokes. 4 stroke, 2 strokes में उसका test होगा. Breaststroke में compulsory है. Okay. Breaststroke में compulsory है. But they make them to swim थोड़ा butterfly करके दिखाओ half length तक. वो कहते हैं. To judge the ability in the water. Yes. To judge the ability. Sir, एक शिवानी सोनी है. उनका question आया था कि क्या दीपा जी मैं एक चीज और यहाँ कहना चाहूंगा देखिए द थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट एंड ऑल द स्पोर्ट्स आर बिकमिंग वेरी कॉम्पिटिटिव नाउ वेरी कॉम्पिटिटिव तो वो जो प्लेजर स्विमिंग वाला आ गए नेशनल में आ गए वहां इंटरनेशनल चले गए घूम लिए वो चीजें खत्म हो गई हैं दे वांट ओनली द क्वालिटी स्विमर्स टू कम एट द इंटरनेशनल लेवल दैट्स व्हाई दे आर चेंजिंग एंड मेकिंग द रूल्स मोर स्ट्रिक्ट जी सर एंड शिवानी सोनी का सवाल था सर दैट इज देयर एनी एकेडमिक डिग्री फॉर पैरा स्पोर्ट्स इफ शी वांट्स टू परस्यू एन एकेडमी एकेडमिक डिग्री फॉर्मली सो व्हाट आर द कोर्सेज देखिए कोई ऐसा नहीं है हम शुरू करने वाले हैं जैसे मैंने आपको बताया था वी आर स्टार्टिंग पैरा स्विमिंग कोचिंग में लेवल 1 लेवल 2 हम डिजाइन कर रहे हैं जो है पैरा ऑफिशिएटिंग के भी पैरा स्विमिंग ऑफिशिएटिंग के भी टेक्निकल ऑफिशियल्स के भी हम कर रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट के भी हम कर रहे हैं कोर्स करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के भी हम करेंगे लेकिन ऐसा इंस्टीट्यूट जैसे LNCT त्रिवेंद्रम में है दे हैव स्टार्टेड अ डिप्लोमा इन एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन लेकिन उनका पैरा स्पोर्ट्स का कोई अलग से नहीं था लेकिन उस डिप्लोमा में 1-2 साल के बाद इनपुट आने बंद हो गए कैंडिडेट्स आने बंद हो गए सो दे स्टॉप्ड द डिप्लोमा तो ऐसे कुछ कोर्सेज हैं एडेप्टेड फिजिक्स जैसे बैचलर फिजिकल एजुकेशन आप करते हो बैचलर्स उसमें एक सब्जेक्ट है बीच में एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन इफ समबडी सम चाइल्ड इन द क्लास इज विद स्पेशल नीड्स हाउ टू हैंडल हिम अलग से प्रोग्राम नहीं है लेकिन अब फेडरेशन से शुरू कर रही हैं जैसे वर्ल्ड पैरा स्विमिंग है दे हैव स्टार्टेड कोचिंग दिस प्रोग्राम्स सो सर एक क्वेश्चन आया है कि वेयर is the basic contact point for a person in disability when they want to start the swimming as like a sport to unka first contact point kya hoga suppose gurugram to kya respective state ke proper yes. active information hai we have a website aap thodi online presence ki jankari bhi de dein sir ye to deepa ji aap reply kar sakte hain is sawal ko they have to contact their state para sports associations first. ये हमारी PCI की website पर है, paralympicindia.org की website पर सभी contacts दिए हुए हैं states के वहाँ पर. They should contact जो है और वहाँ से उनको information मिल जाएगी. और मेरे पास direct भी आते हैं, मैं उनको guide करता हूँ. So thank you so much, sir. It has been a wonderful interaction. This was our first time that we all got together and we have initiated under the aegis of Sports Authority of India. I thank all my senior coaches, all the members of the Paralympic Committee. A big, huge thank you to
Sports Authority of India and Ministry of Sports gratitude to Honorable Sports Minister Sir, and on behalf of my PCI Governing Board members, especially General Secretary Gursharan Sir, Avinash Rai Khanna Sir was here as the Chief Patron. I could also see some celebrated athletes and para swimmers. I could see Rajini, I could see Narayan Thakur joining in, and Satyapal Sir today has been a very a time. I know you had close association with Irfan Khan ji, who had made a biopic on Pansingh, and we know that a member of a Paralympic fraternity, Satyapal Sir, had supported a lot in that particular movie. Today is also, in fact, the time in which we are sitting at the moment has also been the time when I lost my father today. But that's what the life teaches us. It's new beginnings, yeah. And this has been a new beginning, and we have to start. This is going to be the new normal hereafter. With COVID-19, I think it is very good step forward that we are getting used to these online sessions. These will also continue post the first capsule. And I think it's also a very good medium for every state federation or every chairperson of individual sport to also connect to their respective athletes. So it's good for athletes and the governing board members and the coaches fraternity to get computer literate and to get these Zoom meeting kind of literacy. I'm also doing it for the first time. My heartfelt thank you. Special thanks to Gandhinagar Para Sports Center, Sandeep from Bihar and Paralympic Committee of Bihar. Shivaji sir, you initiated these Zoom meetings, and aap hi ka shagird hai jo hamari madad kar raha hai aaj. So aap sabko a big thank you, and we meet you soon tomorrow at 3 p.m. again, and tomorrow we'll be talking about basics of para athletics, the origin, overview, and Satyanarayan sir will be taking that class. So we see you all tomorrow. Thank you so much, and I must thank you. Look after yourself. Thank you very much. Please encourage the nation as responsible citizen. Encourage people around you towards health advisory of COVID-19. Mask pehniye, social distancing rakhiye, healthy food khaiye, immunity badhaiye, exercise karte rahiye, aur buzurgon ki madad karte rahiye, aur zarur PM Care Fund mein jo bhi banta hai, logon ko encourage kariye, donate kare. Feed the hungry, feed the poor. God bless you. Jai Hind. Thank you very much. Thank you, Deepali.